जन सुनवाई अक्सर हम लोग करते हैं, पब्लिक के लिए करते हैं, सभी जगह पब्लिक को वरीयता रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको महसूस हुआ कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं इनके लिए एक ऐसा दिन चुना जाए जिस दिन ये सुलभ तरीके से आ सकें और इनफॉर्मली भी अपनी बात रख सकें। आज सभी जगह नोटिस बोर्ड पर प्रसारण करके सभी शाखा प्रभारियों को कहा गया था कि सिपाही हमारे पास भेजें जिसकी कोई भी छोटी मोटी बड़ी ऐसी भी कोई समस्या हो हम तक भेजें, क्योंकि कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो देखने में लगती हैं कि बहुत छोटी हैं लेकिन सिपाही के लिए और उसके पारिवारिक जीवन के लिए बड़ी होती है। कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने ऐसी एक आदेश जारी किया था कि सभी जन्मदिवस पर सालगिरह पर सिपाहियों को एक दिवस की छुट्टी अवश्य दें ताकि वो अपने परिवार के साथ रहें उस मौके पर। इसी तरह इनका कल्याण पर विशेष जोर है और आज भी यहाँ सब सिपाही बुलाए गए हैं। इसमें कई समस्याएं आई हैं, इसमें से 80% जो वर्केबल होती हैं उनका तो हम आज ही निस्तारण कर दे रहे हैं, जो हमारे स्तर की नहीं है उसमें लेटर प्रेषित कर दे रहे हैं और 100 से ज़्यादा शिकायतें अभी तक प्राप्त हो चुकी हैं। जो करंट नंबर चल रहा है 111 नंबर इस समय चल रहा है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि इनको सुने, इनफॉर्मल तरीके से सुने और ये खुल के अपनी बात रखें। हमें भी एक अच्छा लग रहा है कि पुलिस परिवार में यहाँ जनपदीय मुखिया की तरह जो है हम इनकी बातें सुन रहे हैं और हमारे साथ हमारे जो एसपी सिटी हैं, हमारे SPRA हैं, ASP लाइन्स हैं, CO ऑफिस हैं, पूरी टीम यहाँ पर बैठी है, शाखा प्रभारी यहाँ पर बैठे हैं और सभी लोग आपकी समस्या को नोट कर रहे हैं, विधिवत रूप से रजिस्टर में भी उनको नोट किया जा रहा है और पूरी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक इनकी व्यक्तिगत समस्याएं इनकी हल हों जिससे इनकी कार्यकुशलता बेहतर हो और कार्यकुशलता बेहतर होगी तो खुशी खुशी अपना कार्य करेंगे, जनता से व्यवहार भी उनका अच्छा।